नमस्कार दोस्तों आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आयुष्मान कार्ड के बारे में क्योंकि दोस्तों यहां पर जो आयुष्मान कार्ड है इसकी न्यू लिस्ट आ चुकी है इस न्यू लिस्ट को आप कैसे डाउनलोड करेंगे अगर आप एक सी एस सी हैं तो आपको मैं बताऊंगा कि आप किस प्रकार से इस कार्ड को आप डाउनलोड करेंगे जो लिस्ट है आयुष्मान कार्ड की उसे कैसे डाउनलोड करेंगे और जो भी ऐसे हमारे सब्सक्राइबर या व्यूवर्स जिनका नाम आयुष्मान कार्ड में नहीं है फिलहाल वो भी अपने सी सेंटर पर जाकर इस कार्ड में अपना नाम चेक कर सकते हैं तो दोस्तों आप किस प्रकार से इस लिस्ट को निकालेंगे सो so, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इससे पहले दोस्तों मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या भूले भटके से हमारे इस चैनल पर आ गए हैं तो आपसे हर बार की तरह इस बार भी एक छोटी सी करेंगे रिक्वेस्ट कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक ज़रूर करें जैसे कि दोस्तों और भी आने वाले हमारे वीडियो आप तक सबसे पहले मिलते रहें दोस्तों सबसे पहले आपको अपने एक ब्राउजर को ओपन करना है और ब्राउज़र को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है से तू आपको सिंपल यहाँ पर लिखना है से तू डॉट पी एम जे ए बाई डॉट जी ओ डॉट इन और सिंपल आपको इंटरफ्रेस कर देना है उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर हमें एक आईडी और पासवर्ड बनाना होता है अगर आपके पास एक सी नहीं है आप एक सी एस वैली नहीं है फिर भी आप यहाँ से अपना यहाँ पर क्लिक क्लिकर पर आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन फार्म भरना होगा जहाँ पर आपका ई मेल एड्रेस मोबाइल नंबर और ये कुछ डालना होगा उसके बाद दोस्तों आपका जो आई होगा वो आपका मोबाइल नंबर होगा उसके बाद दोस्तों जैसे ही आप अगर एक सी एस सी बेली नहीं है और आप खुद से अपना आ, लिस्ट में नाम देखना चाहते हैं या आप अपने कहीं सी एस सी सेंटर पर जाना नहीं चाहते हैं तो भी आप अपने घर बैठे इस लिस्ट को निकाल सकते हैं उससे पहले आपको यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि रजिस्ट्रेशन करना है और उसके बाद जैसे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे सबमिट करेंगे और सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पर आना है यूज़र यानी सेल्फ यूज़र आपको सेल्फ से रजिस्ट्रेशन करना है और उसके बाद दोस्तों जो रजिस्ट्रेशन करते समय आप मोबाइल नंबर देंगे उस मोबाइल नंबर को आप यहाँ पर डालेंगे साइन इन इन पर क्लिक करेंगे और इसी नंबर पर आपका एक ओ जाएगा आप यहाँ पर ओ टी पी डाल यहाँ इस पोर्टल पर लॉगिन हो जाएंगे तो ये तो हुआ हमारे जिनके पास सी सी वी एली नहीं है उन सभी हमारे सब्सक्राइबर और व्यूवर के लिए उसके बाद दोस्तों हमारे जो भी सी वी एली हैं इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनके लिए सिंपल यहाँ पर आना है सी कनेक्ट पर आपको क्लिक कर देना है ऐसे हमारे बहुत से सी एस वेली हैं जिन्होंने हमें कमेंट भी किया है कि हमारी अभी आई आईडी जो है वो लॉगिन नहीं हुई है या हमें अभी इसमें जो है हमने वेरिफिकेशन हमें नहीं हो पाया है जो कि हमारे आईडी जो है ओपन नहीं हो रही है तो उन सभी को मैं बता दूं कि ऐसे हमारे बेली भाई जिन्होंने इससे पहले पी एम की जो पोर्टल था ज़ीरो वन पॉइंट ज़ीरो उसमें उन्होंने वर्क किया है तो उनकी जो आईडी है वो ऑटोमेटिक ही यहाँ पर उनकी एक्टिव कर दी गई है ऐसे भी एली भाई जिन्होंने अभी तक पी एम जे ए भाई यानी वन पॉइंट ज़ीरो में वर्क नहीं किया है तो उनके लिए एक अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से uh, जो है मिलना होगा उनसे एक फॉर्म होता है उसे फॉर्म को भरना होगा उस फॉर्म को भर के आप सबमिट करेंगे तो कुछ ही दिनों के बाद आपका जो पोर्टल है वो इस प्रकार से जैसे कि मैंने यहाँ पर ओपन किया यह ओपन हो जाएगा उसके बाद दोस्तों मैं आपको नीचे की तरफ लेकर आता हूँ अब आप यहां पर आएंगे, यहां पर देखेंगे कि पी एम जे बाई कंसुलेटेड सिंपल आपको यहां सेकंड ऑप्शन पर क्लिक करना है पी एम जे बाई डाटा पर और उसके बाद आपको यहां पर आना है बेनिफिशरी सर्च बाय विलेज टाउन यहां पर आपको क्लिक करना है जैसे ही दोस्तों आप यहां पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आएंगे आपको सबसे पहले अपना को स्टेट को सिलेक्ट कर लेना है उसके बाद स्टेट जैसे सिलेक्ट करेंगे उसके बाद आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना होता है तो आप कोई भी डिस्ट्रिक्ट को है उसे सिलेक्ट कर सकते हैं उसके बाद आपको जो ब्लॉक होता है कोई भी ब्लॉक है जो भी आप एक ब्लॉक सेलेक्ट कर सकते हैं फिलहाल दोस्तों यहाँ पर मैंने डेमो के अनुसार आपको बताने की कोशिश की है जैसे यहाँ ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे उसके बाद यहाँ पर जो बहुत से आपको विलेज देखने को मिल जाएंगे तो चलिए मैं यहाँ पर एक कोई सा विलेज सेलेक्ट कर लेता हूँ जैसे ही आप विलेज यानी अपने गांव को सिलेक्ट करेंगे जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो आप यहां पर देखेंगे कि जो एच एच आई डी है जिन ऐसी बेनिफिशरी जिनका नाम आयुष्मान भारत योजना में नाम है तो उनकी सारी लिस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी नीचे की तरफ आप क्लिक आ, जो है आ, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको भी यहाँ पर जो है पूरी लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी अगर इस लिस्ट में आपका नाम नहीं है तो आप यहाँ पर नेक्स्ट करके इस लिस्ट में अपना नाम सर्च कर सकते हैं अगर दोस्तों ये भी नहीं होता है तो उसके बाद आपको यहाँ पर एक सर्च बटन दिया जाएगा आपको सिंपल यहाँ पर अपना नाम डालना है तो यहाँ पर जो है सर्च करके आप इस नाम को फाइंड कर सकते हैं अगर आप पूरी पी को एक्सेल फाइल या इसे कॉपी करना चाहते हैं एक्सेल में करना चाहते हैं पी में करना चाहते हैं या प्रिंट करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर एक ऑप्शन दिए हुए हैं आप जिसमें चाहें उसमें से कर सकते हैं यहाँ पर अगर आप नाम से सर्च करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको आना है आपको यहाँ पर नाम कोई भी एक नाम जो भी आप सर्च करना चाहते हैं नाम डालेंगे तो इस नाम के जितने भी बेनिफिशरी हैं उनके सारे नाम यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप इस प्रकार से अपनी जो लिस्ट है वो निकाल पाएंगे अगर आप चाहते हैं तो अपने सेल्फ से रजिस्ट्रेशन करके भी इस लिस्ट को निकाल पाएंगे या अपने सी सेंटर पर जाकर भी इस लिस्ट में अपना नाम चेक कर पाएंगे तो दोस्तों आशा करता हूं दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ ही साथ बेलाइकन को प्रेस करें जिससे और भी आने वाले वीडियो आप तो सबसे पहले मिलते रहें तो फिर मिलेंगे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ तब